गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज हम 10th क्लास में जो आपकी फर्स्ट फ्लाइट टेक्स्ट बुक इन इंग्लिश फॉर क्लास 10th 2020-21 में स्टार्ट की जा रही है, इसमें मेन रीडर बुक आपकी फर्स्ट फ्लाइट है। सेकंड आपकी सप्लीमेंट्री रीडर बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। हम आज फर्स्ट फ्लाइट बुक जो है इसका फर्स्ट चैप्टर आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट लेसन इज़ अ लेटर टू गॉड, एक पत्र ईश्वर को। ईश्वर को एक पत्र इसमें लिखा गया है, रिटन बाय जीएल फ्यूंटेस। स्टूडेंट्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये कॉर्न यानी मक्के के जो है वो भुट्टे लगे हुए हैं और यहाँ से स्टोरी जो हमारी है वह स्टार्ट होती है। इसमें एक मेन कैरेक्टर है जिनका नाम लैंचो है और ये लैटिन अमेरिकन एरिया में किसी एक फील्ड के किसान हैं और उनकी एक फसल खेत में लगी हुई दिख रही है। दूसरे चित्र में लैंचो जो हैं वो पोस्टमास्टर के सामने खड़े हुए हैं और पोस्टमास्टर के टेबल पे एक लिफाफा रखा हुआ है। पीछे पोस्टमैन बॉक्स में कुछ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और भी वर्कर्स जो हैं ऑफिस के हमें शो हो रहे हैं इस चित्र में। अब हम स्टोरी शुरू करते हैं। शुरुआत में हमें आपको इसमें ये एक इंट्रोडक्टरी पार्ट बताना है। बिफोर यू रीड, दे से फेथ कैन मूव माउंटेंस। लोग कहते हैं कि आस्था पर्वत हिला सकती है, माउंटेंस यानी होता है पर्वत। बट वॉट शुड बी पुट अवर फेथ इन, पर हम अपना विश्वास जो है किस में हमें आस्था रखनी चाहिए। एंड दिस इज़ द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पॉजेज। यही एक प्रश्न है जो इस स्टोरी में बहुत ही कोमलता से वर्णन किया गया है। लैंचो इज अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर रूइंड। लैंचो एक किसान है जिसकी जो फसल है वो पूर्ण रूप से बर्बाद हो गई है और जिसने जो है ईश्वर को पत्र लिखा है आस्किंग फॉर 100 पैसोज। PESOS पैसोज मीन्स होता है, ये लैटिन अमेरिकन करेंसी कहलाती है क्योंकि किसान उसी एरिए से हैं लैंचो। तो उन्होंने 100 पैसोज की डिमांड की है गॉड से, ईश्वर से। डज लैंचोज लेटर रीच गॉड, क्या लैंचो का पत्र जो है वो भगवान तक पहुंचा। डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान ने उन्हें पैसा भेजा। थिंक ऑफ योर ओन आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस, आप अपने इन प्रश्नों के उत्तर सोचिए बिफोर यू बी बिगिन टू रीड इट। स्टूडेंट्स आपको ये अनुमान लगाना है कि कहानी कैसे आगे बढ़ेगी। स्टार्ट करते हैं। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली। वैली मीन्स होता है घाटी, एंटायर यानी कि पूरी की पूरी इस जो है एक घाटी में। घाटी किसे कहते हैं, पहाड़ी के बीच में जो नीचे तराई वाला क्षेत्र होता है ऊंची ऊंची माउंटेंस के बीच में, वो वैलीज कहलाती हैं। और वो भी कुछ ऊंचा ही क्षेत्र होता है। द हाउस ऑन द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट टॉप ऑफ अ हिल। जो कहाँ पर थी वो वैली, ऊंचे ऊंचे पहाड़ के ऊपर के क्षेत्र में वो स्थित थी। क्रेस्ट मीन्स होता है पहाड़ की चोटी। ऑफ अ लो हिल, नीचे की जो एक पहाड़ी है वैली में उसके चोटी पर एक अकेला घर है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। यहाँ पर इस ऊंचाई से, जो पहाड़ी पर घर स्थित है उस ऊंचाई से नदी और जो पक्की हुई राइप कॉर्न मीन्स पक्की हुई जो मक्के की फसल है, डॉटेड विद द फ्लावर्स मीन्स जो जिसमें डॉटेड यानी बिंदुवार रूप से जो फसल उगी हुई है उसमें जो फ्लावर्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं, जो शो कर रहे हैं एक अच्छी फसल का कि बहुत अच्छी जो है फसल होगी, हार्वेस्ट यानी होती हुई पकी हुई फसल। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउन पॉर, जिसे हैवी रेन कहा जाता है। जरूरत थी केवल एक पृथ्वी को एक भारी वर्षा की और एटलीस्ट अ शॉवर या एक हल्की वर्षा की। थ्रो आउट द मॉर्निंग लैंचो हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली। जो लैंचो है जो अपने खेतों से पूरी तरह से परिचित था,
क्लोजली, मतलब जो उसको बहुत अच्छे से अपने खेत को जानता था, वह हैड डन नथिंग एल्स बट शी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, वह उत्तर पूर्वी की ओर आकाश देखने के सिवाय कुछ नहीं किया करता था, बस वो पानी की आश में उत्तर पूर्व की ओर देखा करता था किसान। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वूमेन, यहाँ पर लेंचो कह रहे हैं कि शायद जो है अब हम वास्तव में कुछ पानी प्राप्त करेंगे। प्रिय वोमेन ऑब्वियसली यहाँ पर जो है उनकी वाइफ होंगी, जिसको वो कह रहे हैं कि इस बार हम जो है पानी, अच्छा पानी प्राप्त करेंगे। द वोमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, वो जो महिला जो सपर बना रही थी, सपर मीन्स होता है सपर लाइट लास्ट मील ऑफ द डे, जो आखिरी दिन का जो आखिरी भोजन होता है हल्का, इसे सपर कहा जाता है। उसने उत्तर दिया, हाँ यस गॉड विलिंग, हाँ यदि भगवान ने चाहा तो। द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े बच्चे थे वो खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वेयर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वोमेन कॉल टू देम ऑल, जब तक महिला ने उन्हें नहीं बुलाया तब तक बड़े बच्चे खेतों में काम कर रहे थे और जो छोटे बच्चे थे वो घर के पास में खेल रहे थे। देम ऑल कम फॉर डिनर, जब तक कि माँ ने उन्हें भोजन के लिए नहीं बुलाया। अब आप इसमें देखेंगे, जब तक माँ बोले कि भोजन के लिए आओ, इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज भोजन के लिए के दौरान जैसे ही, इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसे कि लेंचो ने पूर्व में अनुमान लगाया था। प्रेडिक्टेड मीन्स प्रेडिक्ट यानी होता है फोरकास्ट या अनुमान लगाना। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, बहुत बड़ी जो है पानी की बूंदें गिरना शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज मीन्स वेरी लार्ज माउंटेंस यानि पहाड़ ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग कमिंग, अचानक से क्या हुआ कि वो जो है बड़ी बड़ी वर्षा की बूंदें गिरने लगी। उत्तर पूर्व में बड़े बड़े बादलों के पर्वत आते देखे जा सकते थे। कुड क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, जो है उत्तर पूर्व से जो है बड़े बड़े बादलों के जो पर्वत हैं वो आते हुए दिखाई देखे जा सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा ताजी और मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैट देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, वह आदमी जिसे लेंचो कहा गया है उसको किसी और कारण की अपेक्षा वह, एंड वैन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, बिना किसी अपेक्षा के अपने शरीर पर वर्षा का आनंद के अनुभव करने के लिए बाहर गया और अंदर आया तो प्रसन्नता से बोला, एक्सक्लेम्ड सैड इन सरप्राइज मीन्स प्रसन्नता से उसने कहा, दीज आर एंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, ये आकाश से गिरती पानी की बूंदें नहीं हैं, ये तो नए सिक्के हैं। दे आर न्यू कॉइंस मीन्स वे क्या हैं, नए सिक्के हैं जिसे मेटल मनी कहा जाता है, जो सिक्के होते हैं ना मेटल से बने होते हैं धातु से। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5s, और उन्होंने बोला कि जो है बड़ी बूंदें 10 सेंट के सिक्के हैं और छोटी बूंदें 5 सेंट के सिक्के। With a satisfied expression, संतुष्ट अभिव्यक्ति से, act of representing one's feeling में से एक संतुष्ट अभिव्यक्ति, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped, जिसका meaning होता है covered in a curtain of rain, but suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones, मीनिंग होता है फ्रोजन ड्रॉप्स ऑफ रेन वाटर, जिसे हम कह सकते हैं जमा हुआ पानी या ओले, बिगेन टू फॉल, क्या हुआ कि बड़े संतुष्ट अभिव्यक्ति से उनने फूलों वाले पके अनाज के खेतों को वर्षा की चादर में लपटे देखा। कर्टेन मीन्स होता है चादर, और फूलों वाले क्या थे जो है पके अनाज का खेत था ना, मतलब फूल लगे हुए थे और अनाज का खेत तो जो है वो पक चुका था। कवर्ड यानी होता है ढकना, ड्रेप्ड मीन्स कवर्ड, यानी वह उनने उसे किससे ढकते देखा, वर्षा की चादर में लपटे देखा। कर्टन ऑफ रेन मीन्स वर्षा की चादर से लपटे देखा। बट परंतु क्या हुआ, अचानक तेज हवा चलने लगी और वर्षा के साथ बहुत बड़े बड़े ओले गिरने लगे, हेल स्टोन्स गिरने लगे।
दीज ट्रूली डिड रिजेंबल टू हैव सिमिलरली विथ मीन्स उन्होंने बोला ये वास्तव में जो है न्यू सिल्वर क्वाइंस मतलब नए जो है चांदी के सिक्के जैसे थे। कैसे दिख रहे थे फिर जो हेलस्टोन्स थे वो चांदी के सिक्के जैसे। द बॉयज एक्सपोजिंग जो बच्चे हैं ना वहाँ उनके उन बच्चों ने टू ले ओपन एंड अनप्रोटेक्टेड themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. Frozen means जमे हुए मोती, जिसे hailstones कहा गया है। जो ओले थे वो जमे हुए मोती के समान थे। तो जो लड़के थे वर्षा में जाकर इन जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने बाहर भागे। It's really getting bad now. आदमी ने चिंता से जो बोला exclaimed the man, आदमी ने चिंता से कहा कि ये तो जो है जो मौसम है बहुत ही क्या हो रहा है, ख़राब हो रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली, आशा करता हूँ कि यह शीघ्रता से समाप्त हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, वह शीघ्र समाप्त नहीं हुआ, मतलब हेल स्टोन्स गिरते रहे। फॉर एन हॉर द हेल रेंड ऑन द हाउस द गार्डन द हिल साइड द कॉर्नफील्ड ऑन द होल वैली। एक घंटे तक घर पर उद्यान में पहाड़ी पर अनाज के खेत में सारी घाटी में ओलावृष्टि होती रही। द फील्ड वॉज वाइट, खेत सफ़ेद हो चुका था, मतलब वो एकदम ऐसा सफ़ेद था। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद साल्ट, ऐसा सफ़ेद हो चुका था जैसे उसे ढक दिया गया हो नमक से। साल्ट यानी क्या होता, नमक। Not a leaf remained on the trees, और एक भी पत्ती नहीं बची थी पेड़ पे। The corn was totally destroyed, means ruined, जो फसल थी वो पूर्ण रूप से नष्ट हो गई थी। The flowers were gone from the plants, और जो फूल थे पूरे प्लांट्स से गायब हो चुके थे। Lancho's soul was filled with sadness, Lancho का जो हृदय था वो दुख से भर गया, बहुत ज़्यादा Lancho क्या हो गया, उदास हो गया। सोल मीन्स क्या होती, आत्मा। तो Lancho की आत्मा जो थी वो उदासी से भर गई थी। व्हेन द स्टॉर्म हैज पास्ड, हैड पास्ड, जब क्या कहते हैं वह वापस आंधी जब गुजर गई, स्टॉर्म मीन्स आंधी जब गुजर गई। ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, वह खेत के बीचों बीच जाके खड़ा हुआ और उसने अपने पुत्रों से कहा, अ प्लेग ऑफ लोकट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, जो टिड्डी दल का उपद्रव भी इससे अधिक छोड़ जाता। लोकट्स मिस होता है इंसेक्ट्स विच फ्लाई इन बिग स्वॉर्म्स ग्रुप, मतलब जैसे टिड्डियाँ कहते हैं जो एक ग्रुप में चलते हैं और फसलों को वो खाते हैं। और प्लेग एक प्रकार की जो होती है बीमारी, द नेम ऑफ द डिजीज ऑब्लिक एपिडेमिक यानी महामारी, वह भी कुछ क्या हो जाता है, छोड़ जाता है। ये Lancho ने बोला द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, इस ओले ने तो कुछ भी नहीं जो है छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और उसने बोला कि इस वर्ष हमारे पास कोई अनाज नहीं होगा। द एट नाइट वॉज सॉरोफुल वन, वो जो रात थी वह उदासी भरी थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारी सारी मेहनत व्यर्थ गई। देयर नो वन वी हु कैन हेल्प अस, हमारी सारी कोई हमारी सहायता नहीं करता। वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर, हम इस वर्ष सभी भूखे रहेंगे। ये Lancho ने खेत के बीचों बीच खड़े होकर अपने बच्चों से कहा। आप देख रहे हैं Lancho काफ़ी दुखी हैं, फसल पूर्ण रूप से बर्बाद होते दिखाई दे रही है पानी और ओलों के कारण। बट इन द Hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope. पर सभी के हृदय में जो घाटी के मध्य उस अकेले मकान में रहते थे केवल एक आशा थी। सभी के हृदय में मतलब कौन, Lancho उनकी वाइफ और बच्चों के मन में, जो एक अकेली एक अकेला सा घर था ना उस पूरी एंटायर वैली में। मिडिल ऑफ द वैली मतलब उस घाटी के बीचों बीच एक ही घर था, उनके पास केवल एक ही आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड मतलब ईश्वर से मदद। डोंट बी सो अपसेट, और जो है परंतु परेशान मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस,
रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, यदि पूर्ण रूप से लस्ट होता दिखाई दे तब भी याद रखो कोई भी भूख से नहीं मरता। लाइक अ टोटल लॉस रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, दैट्स व्हाट दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर, यही वह कहते हैं भूख से कोई नहीं मरता। ऑल थ्रू मीन्स अंत तक, टिल द एंड, द नाइट, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड हुज आईज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस। कंसाइंस मीन्स होता है एन इनर सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग, अंदर की आत्मा से आने वाली आवाज़ जो गलत और सही को बताती है। पूरी रात जो है, ऑल थ्रू मीन्स पूरी रात जो है, लेंचो अपनी केवल एक आशा के बारे में सोचता रहा, भवा क्या थी, हेल्प ऑफ गॉड मतलब भगवान की सहायता, और जिसकी आँखें जैसे उसे शिक्षा मिली थी सब कुछ देखती हैं, यहाँ तक कि जो एक व्यक्ति के मन की गहराई में भी होता है। कंसाइंस मीन्स इनर पीस ऑफ अवर इनर वॉइस ऑफ अवर हार्ट। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ मैन, लेंचो बहुत ही ज़्यादा क्या था, मेहनती परिश्रमी किसान था, वह आदमी था, वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, वह खेत में एक पशु की तरह काम करता था, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट द फॉलोइंग संडे, पर वो कुछ जानता भी था कैसे लिखा जाता है। अगले सुबह जो है एट डे ब्रेक मतलब बिल्कुल प्रातःकाल में ही बिगन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, और अगले रविवार को सुबह ही उसने पत्र लिखना आरंभ किया जिसे वह स्वयं ले जाकर डाक में डालेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और यह भगवान के को पत्र से कम नहीं था। गॉड ही रोट, उसने लिखा, भगवान इफ़ यू डोंट हेल्प मी, आप मेरी सहायता नहीं करते, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरा परिवार इस वर्ष भूखा रहेगा, आई नीड 100 पैसोज, मुझे 100 पैसों की जो है वो ज़रूरत है। अब पैसोज की मीनिंग यहाँ लिखी है करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज में कई बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर पैसोज जो है वह करेंसी चलती है। इन ऑर्डर टू सो टू स्कैटर सी ऑन अर्थ टू ग्रो, स्कैटर मतलब होता है बोना, पृथ्वी में फिर से बीज को बोने और उन्हें उगाने के लिए मुझे पैसे की ज़रूरत है। माई फील्ड्स अगेन एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक फसल नहीं आती तब तक जीने के लिए भी, बिकॉज द हेल स्ट्रोम डैश डैश डैश, क्योंकि आंधी तूफान ने, आगे और भी उन्होंने लिखा होगा कि सब कुछ नष्ट कर दिया। ही रोड टू गॉड ऑन द एनवलप, पुट द लेटर इन साइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, उसने पत्र लिफाफे पे लिखा भगवान को, उसी रोड टू गॉड ऑन द एनवलप मतलब पत्र का जो लिफाफा था उसके ऊपर लिखा टू गॉड, पुट द लेटर, उसके अंदर उनने अपना पत्र डाला और थोड़े दुख भरे चिंताग्रस्त स्थिति में, और वो जो है शहर की ओर चल दिया। एट द पोस्ट ऑफिस में ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, जिसे पोस्ट बॉक्स कहा जाता है, उसने डाकघर में पत्र पर टिकट लगाकर डाक पेटी में उसे डाल दिया। स्टाम्प मतलब तो टिकट। वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वॉज आ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। कर्मचारियों में से एक जो पोस्टमैन था और डाकघर में सहायता करता था, वह भरपूर हंसता हुआ अपने अफसर के पास गया और भगवान को भेजा गया पत्र दिखाया, क्योंकि एड्रेस उसमें भगवान का लिखा था ना। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसने एज अ पोस्टमैन कभी अपने कैरियर यानी जीवन में इस प्रकार का पता नहीं देखा था। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क
कमेंटेड व्हाट फेथ आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड। जो पोस्टमास्टर थे, जो एक दोस्ती नुमा स्वभाव के और प्लीजेंट व्यक्ति थे, थोड़े मोटे से भी थे, उन्होंने पहले तो वो जो हंस उन्होंने भी हंसा पोस्टमास्टर जो एक मोटा और सबसे प्यारा सद्भाव वाला व्यक्ति था, भाभी जोर से हंसा, पर एक एकदम गंभीर फिर बाद में वो हो गया और पत्र को अपनी मेज पर थपथपाते हुए कहा, कितना विश्वास, व्हाट फेथ, कितना विश्वास। मैं भी चाहता हूँ कि मुझमें भी इस पत्र को लिखने वाले व्यक्ति जितना विश्वास हो। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, मुझमें भी इस व्यक्ति के जैसे पत्र को लिखने का विश्वास हो। भगवान के साथ पत्र व्यवहार आरंभ करने का, स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विथ गॉड। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसलिए कि कहीं लेखक का भगवान से विश्वास ना टूट जाए, ना टूटे, द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, तो पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक विचार सूझा, आंसर लेटर, आंसर द लेटर, पत्र का उत्तर दें, बट व्हेन ही ओपन्ड इट वाज एविडेंट मींस क्लियर दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल इंक एंड पेपर। मतलब जब उनने पत्र खोला तो यह स्पष्ट हो गया था कि उत्तर देने के लिए उन्हें गुडविल यानी सद्भावना, कागज इंक यानी स्याही और कागज के अलावा कुछ और की भी आवश्यकता थी। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, पर वो अपने दृढ़ संकल्प पे क्या रहे, स्टक रहे, मतलब वो कॉन्स्टेंट रहना कि जो उन्होंने सोचा था उस पर वे दृढ़ रहे। ही आस्क फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, उन्होंने अपने कर्मचारियों से धन मांगा। ही हिमसेल्फ गे पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उन्होंने अपनी सैलरी में से भी कुछ दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेयर ओबिलाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी मीन्स काइंडनेस। ओबिलाइज करना मीन्स होता है कृतज्ञ होना, और काइंडनेस यानी होता है चैरिटी, या काइंडनेस यानी होता है कृपा या दयालुता दिखाना। तो उनके कई मित्रों ने भी दान के लिए कार्य में कुछ धन देने की कृपा की। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पैसोज, लेकिन फिर भी सब कलेक्शन के बाद में भी जो 100 पैसे एकत्रित करना उनके लिए असंभव था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फॉर्मल ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, तो अतः वह किसान के को आधे से कुछ अधिक धन ही भेज पाया। ही पुट द मनी इन एन एनवलप एड्रेस्ड टू लेंचो एंड विथ इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड। उसने आधे से अधिक जो पैसा कलेक्ट किए थे उन्होंने उसे उसमें लिफाफे में उसे डाला धन को, और साथ में एक पत्र भी डाला जिस पर केवल एक शब्द से हस्ताक्षर थे, और वो शब्द क्या था, गॉड यानी भगवान। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। अगले सुबह क्या होता है कि जो लेंचो हैं वो पहले से कुछ जल्द ही यह पूछने के लिए आया कि उसके लिए कोई पत्र आया था। इट वॉज अ पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, वाइल द पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट, जिसे सेटिस्फैक्शन कहा जाता है, ऑफ अ मैन हु हैज़ परफॉर्म अ गुड डीड्स लुक ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। कंटेंटमेंट मीन्स सेटिस्फैक्शन मीन्स क्या होता है कि पोस्टमैन ने स्वयं उसे पत्र के लिए जो है पोस्टमैन ने उसे स्वयं पत्र दिया, क्योंकि उनने कलेक्शन किया था ना, तो पोस्टमैन ने हैंड ओवर किया पत्र। और जबकि पोस्टमास्टर ऐसे व्यक्ति की संतुष्टि का अनुभव करते हुए जिसे एक अच्छा कार्य किया हो अपने कार्यालय से भी देखते रहे, उसे उन्होंने देखा कि क्या इसका रिएक्शन है लेंचो का। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो ने तो धन को देख कर के ऑन सीइंग द मनी, पैसों को देख करके उसको जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री, परंतु वह तो जो है क्रोधित हो उठा। विश्वास क्या था कि वो संतुष्ट होगा, लेकिन बिल्कुल भी नहीं दिखा, वो तो एकदम गुस्सा हो गया। वेन ही
काउंटेड द मनी, जैसे ही उसने पैसों को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, ईश्वर जो है गलती से, ईश्वर से गलती नहीं हो सकती। नॉर कुड हैव डिनाइड लेंचो वॉट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही वह उसकी प्रार्थना अस्वीकार कर सकता था। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, तुरंत लेंचो खिड़की पर कागज और स्याही मांगने के लिए गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, सार्वजनिक लिखने के मेज पर, ही स्टार्टेड टू राइट, उसने लिखना शुरू किया लिखने मेज पर। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपनी भौहों में त्योरियों को चढ़ाकर, जैसे त्योरियाँ बोलते हैं भौहें चढ़ाकर, उसने जो है अपने विचारों को लिखना शुरू किया। कॉज्ड बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, उसकी जो कारण क्या थी, आँख की जो भौहें चढ़ने का कारण क्या थी, क्योंकि उसके पीछे जो वजह थी कि पैसे जो उसने मांगे थे उससे कम पैसे उसे मिले थे ना। When he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to. और वह जब उसने अपने पत्र लिखा, तो पत्र लिखने के बाद वह टिकट खरीदने के लिए फिर खिड़की पर गया और टिकट को चाट कर उसे लिफाफे पर जो है टू एनवलप विथ अ ब्लो ऑफ स्पीच में होता है, अपने मुक्के से उसे धक्का मार के, जोर से थप्पा मार के उस टिकट को पत्र पे चिपकाया, एनवलप पे चिपकाया। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स, द पोस्ट मास्टर वैन टू ओपन इट, और जिस क्षण पत्र डाक पेटी में पड़ा, द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स में जिस क्षण जो है पत्र जो है वो डाक पेटी में पढ़ा, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, इट सैड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर ओनली 70 पैसोज रीज्ड मी, और जब उन्होंने देखा कि ईश्वर को उन्होंने लिखा कि भगवान जितना धन मैंने आपसे मांगा था उसमें से केवल जो है केवल 70 पैसे मुझ तक पहुँचे हैं, सेंड मी द रेस्ट, मुझे बचे हुए पैसे भी भेज दीजिए, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि इसे मुझे इसकी बहुत अधिक आवश्यकता है, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, पर अब आप जो है इसे मेल यानी डाक पत्र से मत भेजिएगा, क्योंकि ऑफिस के जो एम्प्लॉय हैं वो बहुत ज़्यादा क्या हैं, बेईमानों का दल है, अ ग्रुप ऑफ डिसऑनेस्ट पीपल लेंचो, ये उन्होंने लेंचो ने लिख दिया कि ये जो कर्मचारी हैं बेईमान हैं और इनके द्वारा आप पत्र मत भेजिए। सो यहाँ पर ये लेसन ख़त्म होता है, ईश्वर के कैसे के प्रति उन्होंने कैसे विश्वास अपना व्यक्त किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।